नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि एक बिहार सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि गिनी जा रही है, जबकि 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज बांटा गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा। और आज दरभंगा के प्रेक्षा गृह में भी करीब 8,234 के आसपास शिक्षकों के बीच आज जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दरभंगा के डीएम कमिश्नर के अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी वहाँ मौजूद हैं। बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इससे बड़ा बदलाव आएगा। जो रिक्त पद शिक्षकों के थे, उसे रिकॉर्ड टाइम में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के पूरा किया गया है। पूरे राज्य में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं दरभंगा जिले में 8,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आज समेकित रूप से उनका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई देता हूं। साथ ही मैं बधाई देता हूं आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री मनीष कुमार सर का। सर ने भी अपना कीमती समय देकर के हौसला बढ़ाया है सभी अभ्यर्थियों का, और सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी जो यहाँ उपस्थित होकर के शिक्षकों का हौसला अफजाई किए हैं, मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। प्रेस मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। शिक्षकों को स्कूल में पदस्थापन के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी सार्थक सिद्ध होगा। सर, प्रशासनिक विभाग से खास करके DO मुझे पत्र भेजा था, जो आज दरभंगा में शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण है, और उनके आमंत्रण पर मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, जो दरभंगा जिला में इतनी भारी संख्या में शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं नए शिक्षकों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो शिक्षक की बहाली जिस तत्परता से हुई है, खास करके शिक्षा में भी उसी ढंग से गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। उसका जो बिल्डिंग है उसी ढंग से बढ़िया बनना चाहिए, उसका जो रख रखाव है वो भी बढ़िया ढंग से होना चाहिए, और यहाँ का जो शिक्षा स्तर, कोई डॉक्टर बने, कोई ऊंचे स्तर का अफसर बने, ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू हो, ये हमारी कामना है नए शिक्षकों से। खास करके बिहार की जो शिक्षा है और जो दोहरी प्रणाली है शिक्षा का, वो दोहरी प्रणाली में जो आदि हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और ये जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये कब मैं देखूंगा। जीवन को अब अंतिम दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं दाखिला करके और सरकारी स्कूल में दाखिला करे, ये नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा जो व्यवस्था, जो पठन पाठन की व्यवस्था सर प्राइवेट स्कूल में है, उससे बेहतर बने, यही हमारी कामना है। परवीन है और मैं बहादुरपुर ब्लॉक में हूँ। मेरा घर भी दरभंगा ही जिला में पड़ा, बेता में, और मुझे बीपीएससी के थ्रू मैं नियुक्ति पत्र लेने आई हूँ, ज्वाइनिंग लेटर। हालांकि मैं पहले से भी नियोजित टीचर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दी हूँ और इसे मैं अच्छे रैंक से पास भी की हूँ, क्वालिफाइड हुई हूँ, और मार्क्स भी मेरा अच्छा था। तो आज हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल रही है। किस में मिला है, 1 से 8 या नहीं? 1 to 5। 1 to 5 में जी। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहले से भी टीचर थी, इसलिए मतलब हाँ, ये है कि अब बीपीएससी टीचर बनने जा रहे हैं, पहले नियोजित टीचर थे, तो इसके लिए ये मतलब इस बात का एहसास थोड़ा अच्छा लग रहा है बस। मेरा नाम आकांक्षा प्रियदर्शनी है, मेरा घर इटोला लहरिया साई में है, मेरे हस्बैंड का नाम राजनंदन है, मेरे पापा का नाम श्री नंदकिशोर चौधरी है, मेरे फादर इन लॉ का नाम उमाशंकर प्रसाद कंत है, मेरी मम्मी का नाम किरण किशोर है, और मेरे सासू माँ का नाम महसूस कर रही है, मतलब इंटरव्यू देते हुए भी इतनी खुशी हो रही है। पहले मैं प्राइवेट में जॉब कर रही थी माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में, अब मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और 11th 12th में कंप्यूटर साइंस के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। क्या लगता है किसको क्रेडिट जाएगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या
तो दोनों को जाएगा क्योंकि दोनों ने मिलकर वैकेंसी निकाली और बहुत अच्छा लगा कि हमारा हो गया, हमने मेहनत की और हमारा मेहनत रंग लाया। मेरा नाम प्रियंका है, मैं 11th 12th के लिए कंप्यूटर साइंस से दरभंगा से ही पढ़ी थी। जी कहाँ से आई हैं और क्या कहते हैं, क्या महसूस कर रही हैं आप? मैं दरभंगा से ही आई हूँ और मैं ये मैसेज कर रही हूँ कि इतना अच्छा वैकेंसी निकला और हम लोग का हो गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। किस वर्ग में के लिए हुआ है? 11th 12th के लिए हुआ है। क्या पहले भी आप टीचर के रूप में काम वर्क करते? नहीं नहीं, फर्स्ट जॉब है। किनको क्रेडिट दे देंगे, तेजस्वी या नीतीश जी को? दोनों को दूंगी क्रेडिट, दोनों ने मिलकर वैकेंसी निकाला है। मुख्यमंत्री, हम दोनों एक ही फैमिली से हैं, हम जेठानी देवरानी हैं। मेरा नाम प्रियंका हुआ, मेरे हस्बैंड का नाम राजशेखर हुआ। मेरा नाम आकांक्षा प्रियदर्शनी, मेरे हस्बैंड का नाम राजवर्धन है, मेरे पापा का नाम श्री लंकेश चौधरी, मेरे ससुर जी का नाम। क्या बात है, सारे आदमी का नाम ले रहे हैं, क्रेडिट किसको जाता है? सारे फैमिली को क्रेडिट जाता है और सर हमारे बच्चे जो है उनका भी। मेरे बेटे का नाम अथर्व राज है, उसने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत छोटा है वो, बहुत हेल्प किया। अभी क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, दोनों सेम फैमिली से हैं और दोनों का हो गया, दो बहू है, दोनों का हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो मैं पहले से ही नहीं हो चुकी हूँ और खुशी हुई है जो मुझे मिली नहीं थी। तो नियोजित और बीपीएससी टीचर? हाँ, मेरे लिए तो ये नहीं, मेरे लिए तो दोनों सेम ही है, जैसे नियोजित वैसे बीपीएससी। नियोजित भी तो कम नहीं है ना, वो भी तो जैसे हुआ टीईटी पास करके आया, सीटेट पास करके आया, तभी तो हुआ ना। और बीपीएससी में भी वही है, आप मतलब एग्जाम दे करके यहाँ आए और कुछ बस अपनी योग्यता प्रदर्शन करा और कुछ। किसे क्रेडिट देंगे इसके लिए, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? ये मैं नहीं बोलूँगी, चाहेंगे कि यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं एग्जाम दे मुझे बहुत खुशी थी, इतना मेहनत किए थे तो मुझे याद मिल गया। किसको क्रेडिट देंगे? सर ये क्रेडिट तो मैं अपने मेहनत तो मैंने खुद किया है, ये निकला था वैकेंसी तो सर मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगी। वैकेंसी नहीं निकलता सर आज लोगों को नहीं हो पाता ना। किस क्लास में हुआ? सर 1 to 5 में। क्या नाम हुआ? कुमारी नैन्सी। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर।